सारी चिड़िया एक साथ रहा करती थी। एक दिन शहर से एक चिड़िया आती है परेशान उस गांव में। वहां से एक दातुन बेचने वाली गुजर रही थी, तभी वो चिड़िया उसे रोक देती है और कहती है कि सुनो, यहां पे मुखिया जी कहां रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं तो शहर से आई हूँ। तभी वो दातुन बेचने वाली उसी गाँव की रहती है, उसे लग जाता है कि ये मुखिया जी से कुछ कंप्लेन करेगी। वो बहाना कर देती है, अरे मुखिया जी तो टूर पर गए हैं, वो इस गाँव में अभी नहीं है, जाओ कुछ दिन बाद आना। वो वहाँ से चली जाती है। ये खबर जाकर वो मुखिया जी को सोचती है देने के, तब तक अगले दिन दही बेचने आती है। फिर शहर से एक पक्षी आती है, वो कहती है सुनो मुखिया जी का घर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तभी वो चिड़िया कहती है कि क्या बात है, तुम लोग शहर से मुखिया जी से मिलने क्यों आ रही हो। वो कहती है इस गांव के मुखिया हमारे शहर में आके ये बोल गए थे कि हमारे गांव में बहुत सारी जमीन खाली है, तुम लोग पैसे दे दो और फिर मेरे गांव में 15 दिन में आ जाना। और हम लोग अभी आ रहे हैं तो मुखिया जी का अता पता ही नहीं मिल रहा है, मेरे गांव से बहुत सारी चिड़िया आके पता कर गई, लेकिन यहाँ पे से वो लोग लौट जाती है। उन्हें बताया जाता है कि मुखिया जी नहीं है, मुझे तो आज मिलना है, अगर इस बार मुखिया जी हमें नहीं मिलते तो हम लोग उनके खिलाफ केस करेंगे, हमसे वो बहुत मुश्किल से जो पैसे जुटाए थे हमने वो सारे ले लिए हैं, नहीं तो वो हमारे पैसे वापस कर दे। गुन्नू चिड़िया कहती है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं मुखिया जी के आते ही तुम्हारी ये बात बता दूंगी। वो वहां से चली जाती है। भागते भागते वो मुखिया जी के घर के पास जाती है तो वो देखती है कि मुखिया जी की पत्नी और उसके पति मुखिया जी आपस में बातें कर रहे होते हैं। गुन्नू चिड़िया पीछे छिप जाती है डर से, क्योंकि उस गाँव के मुखिया से सब लोग डरता था। गुन्नू देखती है कि मुखिया जी की पत्नी कहीं घूमने जाने की बात करती है। तभी उसे एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो सोच लेती है कि अगर ये यहाँ से निकलेंगी मैं इनके पीछे पीछे जाऊंगी और मुखिया जी की पत्नी से ही सारी बातें बता दूंगी, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं मुखिया जी से ये सारी कंप्लेन करूं उनके खिलाफ ही, जो कि चिड़िया लोग उन्हें ढूंढते हुए आ रही है, मुखिया जी तो मेरी जान ले लेंगे। मुखिया अब उस गांव का जो था वो अपने घर में चला जाता है आराम करने के लिए। इतने में वो गुन्नू चिड़िया उस चिड़िया के पीछा करती है, अभी वो पीछे से आके चिल्लाती है मालकिन मालकिन। तभी टुन्नी को लगता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, वो उसी डाल पर रुक जाती है और पलट के देखती है तो कहती है कि कहो तुम्हें क्या कहना है मुझसे। वो कहती है मालकिन मुखिया जी को बहुत लोग ढूंढते हुए हमारे गांव में आ रहे हैं, आप देखिए कुछ संभाल लीजिए माहौल, मुझे तो हिम्मत नहीं था कि मुखिया जी के सामने मैं बोल दूँ। तभी वो कहती है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो। तो गुन्नू कहती है हाँ मालकिन, दो लोगों को तो मैंने ही लौटा दिया, वो दोनों कह रही थी कि उनके गाँव से बहुत सारी चिड़िया आके यहाँ से लौट गई है, हम नहीं चाहते कि हमारे गांव का नाम खराब हो। गुन्नू उससे सारी बात बताती है और कहती है मुखिया जी शहर जाके बहुत सारी चिड़ियों से पैसा लेकर आए हैं। ये कहती है कि नहीं, मेरे पति तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, मैं जाती हूँ और बात करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव से वो कल्लू कौवा के जो छोटे वाले भाई हैं वो गए थे, मेरा कल्लू कौवा तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं उनके छोटे भाई के पास जाता हूँ और पूछता हूँ, छोटे मुखिया वो भी हैं, शायद वही कुछ किए हों। जल्दी से अपने छोटे देवर के पास चली जाती है। तभी वो ताज पहन के बैठे थे और उसकी पत्नी घर के बाहर बालकनी में बैठी थी, बारिश का मौसम था और बादल गरज रहे थे। वो जाके कहती है देवर जी क्या आप कुछ दिन पहले शहर गए थे तो किसी से पैसे लेकर आए हो। तभी वो हकलाने लगता है और कहता है नहीं मैं तो लेके नहीं आया। तो वो कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपसे यही सवाल अब पुलिस पूछने वाली है, क्योंकि आप छोटे मुखिया इस गाँव में जाने जाते हो और बहुत सारी शहर से पक्षियाँ आ रही हैं ये कहते हुए कि आपने उनसे पैसे लिए हो। तभी वो डर जाता है और कहता है भाभी मुझे बचा लो, हाँ मैं पैसे लेकर आया था ताकि मैं ऐस कर सकूँ, मुझे नहीं पता था कि वो शहर से इतनी सारी चिड़िया यहाँ आ जाएंगी, और मुझे ये भी पता था कि हमारे गांव के लोग उन्हें हमारे एड्रेस तक बिल्कुल नहीं पहुँचने देंगे, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी भर जाएंगी, भाभी मेरे से तो पैसे खर्च हो चुके हैं और पैसे नहीं है। तभी वो उसे समझाती है कि देखो किसी भी गरीब के भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करना, मैं उनके पैसे चुका दूंगी लेकिन आज के बाद तुम ये सबक ले लो, वो लोग बहुत उम्मीद से और बहुत मुश्किल से जुटाए हुए पैसे तुम्हें दिए थे, तुम्हें ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। उससे बात समझ आ जाती और उसकी पत्नी भी घर से गुस्सा के उसे देखती है और वो रोने लगता है कि भाभी प्लीज़ आप ये बात भैया को मत बताना वरना मुझे बहुत शर्म आएगी, मैं उनके सामने जा नहीं पाऊँगा।
तभी उसकी भाभी वहाँ से निकल जाती है उसी बारिश के मौसम में और दूसरे गांव में जाती है जहाँ से बहुत सारे पशु पक्षी आते थे। वहाँ जाके उन सबको आश्वासन देती है कि वो उनका पैसा लौटा देगी और आप लोग बिल्कुल मत घबराओ। वो सारे पैसे उनके शहर में भिजवाने की बात करके अपने गांव आ जाती है। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।